ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल के इलाहाबाद आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या संसद के अंदर अब खुलेआम पक्षपात होगा? क्या विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जाएगा? सीधा सवाल यहां पर। नेता सदन पीयूष गोयल ने राज्यसभा के अंदर विपक्ष को ट्रेटर्स कहा है, गद्दार कहा है। उन पर राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोई कार्रवाई नहीं की। मगर दूसरी तरफ जब टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे थे, तब उन्हें त्वरित निलंबित कर दिया गया। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों, एक तरफ तो पीयूष गोयल ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल विपक्ष के लिए किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, मगर दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहूंगा किस तरह से डेरेक ओब्रायन को निलंबित कर दिया जाता है, और आप देखेंगे राज्यसभा के सभापति के चेहरे का गुस्सा। हमने देखा था कि जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तब वो राज्यपाल कम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा दिखाई देते थे। मैं आपको वो पूरा वीडियो दिखाना चाहूंगा किस तरह से निलंबित किया जाता है, और उसमें कुछ चीजें हैं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। देखिए वीडियो। ऑनरेबल मेंबर्स, आई नेम मिस्टर डेरेक ओब्रायन, he must leave the house. I name him. Yes. I also move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the house, for disobeying the chair, and for continuously creating disturbance in the house. Chair. Disregarding every instruction of the chair and bringing disrepute and shame to this august house. हालांकि बाद में खबर आई कि वो निलंबित नहीं हो सके, क्योंकि प्रस्ताव तो जरूर था, वो सहमति से पारित नहीं हो पाया। मगर सवाल तो बदस्तूर बना हुआ है। देखा आपने, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात, अपना आपा पूरी तरह से खो जाते हैं देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, क्या उन्हें ऐसा आचरण, ऐसा बर्ताव दिखाना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, आपने गौर किया होगा दोस्तों कि वो तुरंत पीयूष गोयल को कहते हैं कि इनकी निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाए, और पीयूष गोयल के पास एक पर्चा भी आ जाता है, मानो वो पहले से तैयार थे इसको लेकर। ये हो क्या रहा है दोस्तों? कुछ ही दिनों पहले आपको याद है संजय सिंह को इसी तरह से निलंबित कर दिया गया था, और अब डेरेक ओब्रायन को? ये कैसा गुस्सा है राज्यसभा के सभापति के अंदर? आप चेयर पर बैठे हैं, आपकी जो हरकतें होनी चाहिए, आपका जो आचरण होना चाहिए, वो पक्षपात से ऊपर होना चाहिए, वो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, मगर यहां वैसा आचरण बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। याद कीजिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि किस तरह से मेरे माइक को ऑफ कर दिया जाता है। याद कीजिएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जब उन्होंने चर्चा की थी, तब इसी तरह से राज्यसभा के सभापति ने उस पर आपत्ति जतलाई थी, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, वो सभापति हैं, मगर इस तरह की हरकतें हो रही थी। इसी तरह की कुछ हरकतें दोस्तों आज लोकसभा में हुई, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा निशिकांत दुबे, गोड्डा से सांसद। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जहां पर हमने
स्वर्गीय अटल जी जैसे वक्ताओं को देखा, सुषमा स्वराज जैसे वक्ताओं को देखा, राज्यसभा में अरुण जेटली को देखा, मगर आज निशिकांत दुबे की भाषा देखिए। मेरा मन तो हो रहा है कि मैं कहूं सड़क छाप भाषा है, मगर सांसद है मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए सलमान खान को याद करते हुए कैरेक्टर ढीला होने की बात करते हैं, सुनिए। जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही डीएमके उनके साथ हो गई, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बात वहां नहीं रुकती, सोनिया गांधी पर हमला बोलते हैं, सोनिया गांधी के बारे में कहते हैं कि आपका दो ही काम रह गया है, क्या बेटे को फिट करना, दामाद को भेंट करना। भाषा देखिए सज्जन की, देखिए। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिक पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। दुख की बात यह है दोस्तों कि मणिपुर पर चर्चा थी मगर यह व्यक्ति इसी तरह की अनर्गल बातें करता गया, इसी तरह की वाहियात बातें करता गया। और आज मैं निशिकांत दुबे तुम्हें चुनौती देता हूं, ये जो तमाम बातें तुम कर रहे हो अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल करके, सांसद के प्रिविलेज होने का इस्तेमाल करके, यही बातें बाहर कहो, यही बातें तुम बाहर कहो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से तुम लोगों की मानहानि करने की कोशिश कर रहे हो। और यही नहीं दोस्तों, लोकसभा में और भी ड्रामा हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस समझ गई थी कि निशिकांत दुबे जो हैं वो भाजपा के पहले स्पीकर होने वाले हैं, इसलिए राहुल को पहले स्पीकर के तौर पर हटा के गौरव गोगोई पहले स्पीकर बने और उन्होंने कायदे से मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की बखिया उधेड़ी। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जैसे ही गौरव गोगोई उठे, देखिए किस तरह की हरकतें कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, देखिए राहुल गांधी पर किस तरह का ताना मार रहे हैं, देखिए। एक पॉइंट सर, सर सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे, क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का, राहुल क्या हो गया ऐसे, क्या क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर, तो ही जस्ट एट 11:55 ही हैज गिवन अ लेटर दैट मिस्टर राहुल गांधी इज गोइंग टू स्पीक, व्हाट हैपेंड इन 5 मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू लिसन मिस्टर राहुल गांधी सर। और यहीं पर गौरव गोगोई लोकसभा अध्यक्ष से सवाल करते हैं और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आपके और मेरे बीच जो बातचीत हो रही है वो इस तरह से बाहर क्यों लीक हो रही है? इस पर देश के गृह मंत्री बुरी तरह से नाराज हो जाते हैं, देखिए पूरी बातचीत। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते, कोविड के साथ चाहिए माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात
हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसको भी उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। दोस्तों ये हो रहा है सदन के अंदर, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन तमाम हालात के चलते आखिर विपक्ष के साथ इंसाफ कैसे होगा? विपक्ष कैसे अपनी बात रखेगी जब इस तरह से खुलेआम पक्षपात होगा? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की मेंटल बैंक्रप्टसी, ऐसा मानसिक दिवालियापन कि आपका जो पहला वक्ता है वो कौन? आपका पहला वक्ता है निशिकांत दुबे, जिनका एक पूरा इतिहास रहा है संसद के अंदर अनर्गल बातें करने का, अनर्गल टिप्पणियां करने का। वाकई बहुत शर्मनाक नजर आता है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता रहे हैं, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक रहा। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं और इस बार ये सवाल मेरा राज्यसभा के सभापति से है कि पीयूष गोयल पर आप कार्रवाई कब करेंगे? क्या आपकी तमाम इनायत जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी सांसदों पर है, चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो चाहे वो संजय सिंह हो? ये सवाल है और ये सवाल तो जरूर उठेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।